For complete courses, visit our website myintracademy.com. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get notified for our future updates. Hello students, welcome you all. This is Murtaza from My Intro Academy. और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड. यानी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके पास एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं यानी जो क्वेश्चन पेपर आता है वो किस तरह से आता है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें रिकॉल करा दूं. डेफिनेटली आपको पता भी है कि आपके पास फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर टोटल 13 चैप्टर्स हैं. तो इसका मतलब यह है कि जो आपके पास पेपर आएगा वो इन्हीं 13 चैप्टर्स में से आएगा. लेकिन किन चैप्टर्स से, किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको जरा हम बड़े डिटेल में देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम स्टार्ट ले लेते हैं. तो आपको पता है कि आपके पास मैथ्स का पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स आपके पास जो है वो 100 होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब ये जो 100 मार्क्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं इंटू सेक्शंस. आपके पास सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है और सेक्शन सी होता है. सेक्शन ए आपके पास एमसीक्यूज होते हैं. अब एमसीक्यूज का क्राइटेरिया या सिलसिला क्या होता है कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर दे दिया जाता है और उस ऑब्जेक्टिव पेपर की आपके पास 30 मिनट्स की टाइम लिमिट होती है. और 30 मिनट्स के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने उस सब्जेक्टिव पेपर जो कि एमसीक्यूज होता है उसके आंसर्स बताने होते हैं. और बताने का सिलसिला कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके अंदर एक कोड होता है. तो आपने अपने आंसर शीट में सबसे पहले क्या करना होता है, आप उस कोड को लिखें और उसके बाद आपने क्या करना है कि एमसीक्यूज बाय एमसीक्यूज यानी लेट से क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, आपने क्या करना होता है, उसके आंसर्स बताने होते हैं. क्योंकि एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो या तो आपके पास किसी भी एमसीक्यू का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा, उसको आपने अपने आंसर शीट में लिखना होता है. तो सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए है और सेक्शन ए जो है आपके पास ये होता है एमसीक्यूज और इसके जो मार्क्स हैं वो है आपके पास 20 मार्क्स. ओके, अच्छा, अब आपके पास होता है सेक्शन बी. सेक्शन बी जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. अच्छा, अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके अंदर होता है क्या है कि आपके पास सेक्शन बी के अंदर भी सब सेक्शंस होते हैं और वो सब सेक्शंस क्या होते हैं उसको अभी हम बिल्कुल देखने वाले हैं. लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन बी के मार्क्स कितने होते हैं. तो सेक्शन बी के अंदर आपके पास मार्क्स कितने हैं, सेक्शन बी के अंदर आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके मार्क्स हैं आपके पास 50. ओके, और फाइनली आपके पास होता है सेक्शन सी. तो आपके पास टोटल मार्क्स इतने हैं, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है और सेक्शन सी जो कि आपके पास डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स, इसके टोटल मार्क्स है आपके पास 30. तो अगर आप देखें आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है और उस 100 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज है उसके 20 मार्क्स हैं, सेक्शन बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके 50 मार्क्स हैं और सेक्शन सी जो कि डिटेल क्वेश्चंस हैं उसके 30 मार्क्स हैं. तो अगर आप काउंट करें तो 50, 30, 20 मिलके 100 मार्क्स हो गए. तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने 100 मार्क्स जो है वो लेने हैं तो आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से और 100% करना होगा. अच्छा, अब हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं कि आपके पास क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं. तो ये बात तो आपको समझ में आ गई है. और एक और चीज भी मैं यहाँ लिखता जाऊं कि आपके पास टोटल चैप्टर्स जो हैं, टोटल चैप्टर्स आपके पास 13 हैं. अच्छा जी, अब क्या होता है, अब हम आ जाते हैं पहले सेक्शन ए को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं. तो सेक्शन ए जो है आपके पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, एमसीक्यूज हैं. इसके अंदर तो बहुत सिंपल बात होती है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये और इसके अंदर टोटल आपके पास 1 से लेकर 20 एमसीक्यूज होते हैं और हर एमसीक्यू जो है वो एक एक मार्क्स का होता है. तो अगर आपने 20 के 20 एमसीक्यूज सही कर लिए तो आपको टोटल 20 मार्क्स मिल जाएंगे. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, लेकिन टोटल मार्क्स आपके पास 20 है. ओके, अच्छा, अब असल समझने वाली बात है आपके पास सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर. तो सेक्शन बी के अंदर
होता है कि आपके पास टोटल 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनमें से आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और हर क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ सेक्शन बी जो कि शॉर्ट आंसर्स है, इसके अंदर आपने 10 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 15 और टोटल कितने मार्क्स हैं इसके 50 मार्क्स हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होता है। लेकिन अब होता क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 15 में से कोई भी 10 क्वेश्चंस करने हैं, लेट से आपके पास सीक्वेंस में आपके पास 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आपने 10 करना है तो आपकी मर्जी है, आप शुरू के 10 कर लें आखिर के 5 को छोड़ दें, या वैसे कर सकते हैं कि आप शुरू के 5 कर लें और आखिर के 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, या कुछ भी वाइस वर्सा इस तरह का आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर मजीद आपके पास सब सेक्शन हैं और उन सब सेक्शन के अंदर आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन बी के अंदर जो सब सेक्शन आता है उसका नाम है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स एल्जेब्रा एंड मैट्रिसेस। यानी आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आते हैं, अलजेब्रा से आते हैं और मैट्रिसेस से आते हैं। यानी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 2 है, अलजेब्रा चैप्टर 3 है और मैट्रिसेस चैप्टर 4 है। अब किन किन तरीके से पूछे जाते हैं, तो होता है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल आपके पास जो है वो 5 पार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ओके अच्छा, अब होगा कि आपके पास एक पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा, ठीक है, दो पार्ट्स आपके पास चैप्टर नंबर 3 से आएंगे और इसी तरह से दो पार्ट्स आपके पास चैप्टर नंबर 4 से आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सब सेक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस वाले सेक्शन के अंदर आपके पास 5 पार्ट्स होते हैं और उन 5 पार्ट्स के अंदर जो क्वेश्चंस किन चैप्टर से आते हैं वो किस तरह से आते हैं, 2 से एक सवाल आता है, चैप्टर 3 से दो सवाल आते हैं और चैप्टर 4 से आपके पास जो है वो दो सवाल आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास और भी सब सेक्शन है सेक्शन बी के अंदर, वो जो सब सेक्शन है वो आपके पास किस तरह का है, वो है आपके पास ग्रुप्स, ओके, सीक्वेंसेस एंड सीरीज और आपके पास काउंटिंग प्रिंसिपल। अच्छा, ये तो आपके पास नाम है इस सब सेक्शन का, ग्रुप सीक्वेंसेस एंड सीरीज और काउंटिंग प्रिंसिपल। अच्छा, ये आपके पास होता है क्वेश्चन नंबर 3 और इसके अंदर भी मजीद आपके पास 5 पार्ट होंगे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। अच्छा, अब ये जो आपके पास पार्ट हैं ये किन किन चैप्टर से आते हैं आपके पास, एक क्वेश्चन आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 7 से, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 8 से और दो क्वेश्चन आएंगे आपके पास चैप्टर 6 से, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास जो 5 पार्ट्स हैं, एक 5 चैप्टर से आ रहा है, एक 7 चैप्टर से, एक 8 चैप्टर से और दो क्वेश्चन आपके पास चैप्टर 6 से आते हैं। अच्छा, चैप्टर 8 के अंदर यानी जो एक क्वेश्चन आपके पास चैप्टर 8 से आता है ये स्पेसिफिकली आपके पास एक्सरसाइज 8.1 से पूछा जाता है कि जिसके अंदर आप पढ़ते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो ग्रुप चैप्टर से आ रहा है, एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास कम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से आ रहा है, एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन से आएगा और दो क्वेश्चन आपके पास जो है वो चैप्टर 6 से आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और आपके पास सेक्शन है और उस सेक्शन को नाम दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री का। सो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक है। इसका मतलब ये कि इन्हीं चैप्टर्स में से आपके पास ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन इक्वेशंस पूछे जाएंगे। तो ये आपके पास होता है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मजीद आपके पास 5 पार्ट होते हैं, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट नंबर 3 है, ये पार्ट नंबर 4 है और ये पार्ट नंबर 5 है। अब ये जो आपके पास पार्ट्स हैं ये किन किन चैप्टर से आते हैं, तो आपके पास होता क्या है कि एक पार्ट आपके पास चैप्टर 9 से पूछा जाता है, एक पार्ट आपके पास चैप्टर 11 से पूछा जाता है जो कि ग्राफ का चैप्टर है आपके पास, एक पार्ट आपके पास
चैप्टर 12 से पूछा जाता है और दो पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब यह कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक क्वेश्चन 9 चैप्टर से आ रहा है, एक क्वेश्चन 11 चैप्टर से आ रहा है, एक 12 से आ रहा है और दो आपके पास चैप्टर नंबर 13 से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो बात जो मैंने आपको बताई थी कि आपसे मैंने कहा कि आपने क्या करना है कि आपने 15 में से 10 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आपके पास होता क्या है कि हर सब सेक्शन के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, वो रिस्ट्रिक्शंस आपके पास ये होती है कि आपने हर सब सेक्शन से, अब सब सेक्शन कितने आपके पास मैं अगर नाम दूं, ये आपके पास पहला सब सेक्शन है, ये दूसरा सब सेक्शन है और ये तीसरा सब सेक्शन है। आपने हर सेक्शन से यानी सब सेक्शन से कम अज कम तीन क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। आप तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ से भी तीन करेंगे, यहाँ से भी तीन करेंगे, यहाँ से भी तीन करेंगे, लेकिन ये तो टोटल आपके पास 9 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपने तो 10 करने। इसका मतलब ये है कि आपने करना क्या होगा कि ये आपकी मर्जी होगी कि आप क्या करें कि किसी एक पार्ट से आप 4 क्वेश्चन करें और बाकियों से आप 3-3 क्वेश्चन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग क्या कर लें कि आप ये कर लें कि आपने यहाँ के शुरू के 5 कर लिए, ये शुरू के 5 कर लिए और ये तो आपने करे नहीं। ये सोचते थे कि आपने 15 में से 10 क्वेश्चंस करने, आपने इस तरह से 10 क्वेश्चंस कर लिए, ऐसा नहीं करना। सब सेक्शंस में सेक्शन बी को डिवाइड करने का मकसद ही यही है कि आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपने हर सेक्शंस में से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो करना क्या है कि आपने किसी एक सेक्शन से 4 यानी सब सेक्शन से 4 पार्ट्स करने हैं और बाकी पार्ट से आपने यानी बाकी सब सेक्शन से आपने 3-3 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि आपने क्या करना है कि अटेम्प्ट 3 पार्ट यानी एटलीस्ट 3 पार्ट फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी जो आपके पास जिसको मैं सब सेक्शन कह रहा हूं। ओके, तो यहां पे बात समझ में आ गई कि सेक्शन भी आपके पास किस तरह से पूछे जा रहे हैं, 3 सब सेक्शंस हैं, ठीक है, और हर सब सेक्शन के अंदर आपके पास 5-5 क्वेश्चंस हैं और आपने करना क्या होता है कि किसी एक सेक्शन से आपने 4 पार्ट्स करने हैं और बाकियों से आपने जो है वो 3-3 पार्ट्स करने होंगे। ओके, अच्छा अब बारी आ गई आपके पास सेक्शन सी की और सेक्शन सी के लिए मुझे इतना पार्ट ड्रॉप करना होगा। तो चले अब हम यहाँ पे सेक्शन सी को देख लेते हैं। सो सेक्शन सी आपके पास डिटेल क्वेश्चंस हैं और इन डिटेल क्वेश्चंस में आपके पास होता ये है कि आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपने उन 3 में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। अब वो क्वेश्चंस आपके पास किन किन चैप्टर से पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछते हैं, तो चले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ सेक्शन सी की। सो सेक्शन सी आपके पास डिटेल्ड क्वेश्चंस है, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर है ये, और इसके अंदर आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ, ओके, और ये आपके पास सिंपल, आपके पास 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से आपने 2 क्वेश्चंस करने, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है और ना ही कोई इस तरह के सब सेक्शंस हैं, ठीक है। तो अच्छा अब आपके पास होगा क्या कि आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का हो गया, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। आपके पास जो पार्ट ए होगा ये क्वेश्चन आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। अच्छा जो पार्ट बी होगा इसके अंदर आपके पास 2 चांसेस होते हैं, ज्यादातर चांस ये होता है कि आपके पास जो है वो लॉस को प्रूव करने के लिए आ जाता है, यानी जिसके अंदर आप लॉस प्रूव कर रहे होते हैं। किस तरह के लॉस प्रूव कर रहे होते हैं, आपने डेफिनेटली मुख्तलिफ लॉस को पढ़ा है, चाहे वो साइन लॉ हो, कोसाइन लॉ हो या फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जिसके अंदर आप पढ़ते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो पार्ट बी आएगा उसके अंदर आपने या तो आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि आपने कोई लॉ को प्रूव करने है, ज्यादातर चांसेस इसी के होते हैं, या आपके पास चैप्टर नंबर 12 से कोई पार्ट पूछ लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरह से होगा कि एक क्वेश्चन चैप्टर 6 से होगा, उसके साथ या तो आपके पास कोई लॉ प्रूव करने के लिए आएगा या चैप्टर 6 के साथ आपके पास चैप्टर 12 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगेन आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा पार्ट नंबर ए जो है वो आपके पास चैप्टर 8 से पूछा जाता है और पार्ट नंबर बी आपके पास चैप्टर 4 से पूछा जाता है। अच्छा अब ये जो आपके पास पार्ट्स हैं इसके अंदर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक क्या है,
मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा रहा है, लेकिन ये स्पेसिफिकली एक्सरसाइज 8.1 यानी मैथमेटिकल इंडक्शन से पूछते हैं। लेकिन अब जो बाइनोमियल थ्योरम है जिसको हम चैप्टर 8 में ही स्टडी करते हैं, उस क्वेश्चन को हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में। यानी चैप्टर 8 से जो आपके पास क्वेश्चन आएगा ये स्पेसिफिकली आपके पास बाइनोमियल थ्योरम से पूछा जाएगा, ठीक है। यानी बाइनोमियल थ्योरम से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा और बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस आपके पास 8.3, 8.4 और 8.5 में है, ओके। अच्छा, इसका जो पार्ट बी है ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 से पूछा जाएगा। अच्छा, इसके अंदर भी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्या होता है कि ये आपके पास एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन आता है, और एक्सरसाइज 4.4 में अगर आपको याद हो तो आप क्या चीज पढ़ रहे होते हैं, आप यहाँ पे क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स रूल को पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट भी आपके पास एक्सरसाइज 4.4 से आएगा, और इसके अंदर आपके पास या तो मैट्रिक्स या क्रैमर्स रूल की मदद से आपने क्या करना होता है, इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है थ्रू मैट्रिसेस, ओके। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। आखिरी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास यहाँ पे तीन पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ओके। अच्छा, अब ये तीनों पार्ट्स आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए आपके पास चैप्टर 9 से पूछा जाता है, पार्ट बी आपके पास चैप्टर 10 से पूछा जाता है, और पार्ट सी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाता है। और स्पेसिफिकली ज्यादातर आपके पास ये जो पार्ट है जो कि चैप्टर नंबर 9 से आ रहा है, ये मेनली आपके पास वो क्वेश्चंस होते हैं कि जिसके अंदर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी जाती है, और उसकी मदद से आपने बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है जो कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 9 में, ओके। इसी तरह से चैप्टर 10 के अंदर आपके पास प्रूफ दैट के क्वेश्चंस होते हैं, आपने डेफिनेटली पढ़ा है, आपने उसमें देखा भी होगा कि आपके पास प्रूफ दैट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मोस्टली क्या होता है आपके पास चैप्टर नंबर 10 से प्रूफ दैट के क्वेश्चंस आते हैं, और चैप्टर नंबर 3 में आपके पास स्पेसिफिकली एक्सरसाइज 3.8 से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 3.8 से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक्सरसाइज 3.8 के अंदर क्या होता है आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती है और आपने उनको सॉल्व करना होता है थ्रू डिफरेंट मेथड्स, ओके। तो ये आपके पास सेक्शन सी है कि जिसके अंदर आपके पास तीन क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट चैप्टर 6 से आता है और दूसरा पार्ट या तो आपके पास लॉस प्रूव करने के लिए आएगा या चैप्टर 12 से कोई सवाल पूछ लिया जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी आपके पास दो पार्ट्स हैं, चैप्टर 8 से एक पार्ट आएगा जो कि स्पेसिफिकली बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड होगा, और पार्ट बी आपके पास चैप्टर नंबर 4 से पूछा जाएगा जो कि स्पेसिफिकली एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आप मैट्रिक्स या क्रैमर्स रूल की मदद से आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास तीन पार्ट्स हैं, ए, बी और सी, एक 9 चैप्टर से आ रहा है, एक 10 चैप्टर से आ रहा है और एक चैप्टर 3 से आ रहा है, और स्पेसिफिकली एक्सरसाइज 3.8 से आपके पास इक्वेशन आता है। सो दिस वॉज अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड। तो इस पेपर पैटर्न को देखिए आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आपके पास पेपर किस तरह से पूछा जाएगा, किन चैप्टर्स से आपके पास किस सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं कि आपने किस चैप्टर को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है जो कि ज्यादा वेटेज में आपके पास क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकें। बट मैं तो यही कहूंगा कि आप तमाम चैप्टर्स को अच्छे से स्टडी करें ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को सिक्योर कर सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि अक्सर औकात में स्टूडेंट से कहता रहता हूँ, और वो स्टूडेंट जो कि मुझे जानते हैं वो इस बात से रेलिवेंट भी होंगे कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एडवाइस दे रहा होता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सारा साल आपने पढ़ा है इसलिए कि आप उस 3 घंटे के अंदर आप पेपर को दे सकें। तो वो जो 3 घंटे हैं जिसको हम उमूमन इस तरह से भी कह रहे होते हैं कि उस 3 घंटे के अंदर आपका करियर डिसाइड हो रहा होता है, आइदर आप इंजीनियर बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, या खुदा ना खास्ता आपके मार्क्स कम हो के आप किसी हल्की फील्ड में चले जाएं। तो होता क्या है कि वो जो 3 घंटे हैं उमूमन लोग इस तरह से कहते हैं, बट आई डोंट बिलीव ऑन ऑल दीज, लेकिन फिर भी आपने करना क्या, आपने अपने 3 घंटों को तो प्लान करना है। देखिए 3 घंटों को प्लान करने का मतलब यह है कि आपको पता है कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें से आधा घंटा जो है यानी 30 मिनट्स वो आपके एमसीक्यूज में चले जाएंगे,
अब आपके पास बचे 2 घंटे 30 मिनट। अब उस 2 घंटे 30 मिनट को आपने प्लान करना है कि आपने कितना टाइम जो है सेक्शन बी को देना है, कितना टाइम आपने सेक्शन सी को देना है, ताकि आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। अच्छा, उससे पहले जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आए, तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके पास आए, आपने करना क्या है कि उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है, आपने समझना है। आप 5 मिनट भी ले सकते हैं, आप मैक्सिमम 10 मिनट भी ले सकते हैं, लेकिन 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर आप ये बात को जो है वो प्लान कर लें कि आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आया और आपने क्या करा, लेट से आपने सेक्शन बी की बात करी, आपने ये देखा कि भाई मुझे क्या करना है कि एक सब सेक्शन से 4 और बाकियों से 3-3 क्वेश्चंस करने हैं और तमाम क्वेश्चंस मेरे निकल रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अगर आपने सेक्शन सी को देखा, आपने ये कहा कि लेट से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये वाले क्वेश्चंस मुझे आते हैं, इसका मतलब ये कि मुझे 100% पेपर आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वहां पे उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि इन्होंने 10 क्वेश्चंस करने 15 में से कोई 8 क्वेश्चंस इनको बस आ रहे हैं, बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं या लेट से 7 क्वेश्चंस अगर आ रही हैं तो जो बाकी 3 क्वेश्चंस हैं उनमें जो है उनको थोड़ा बहुत डाउट है। तो उमूमन बच्चा क्या कर रहा होता है, वो उन 3 क्वेश्चंस की टेंशन में लग जाता है कि यार ये 3 क्वेश्चंस कैसे होंगे। और होता क्या है कि उन 3 क्वेश्चंस के चक्कर में जिसमें उनको थोड़ा सा डाउट या कंफ्यूजन होती है, वो जो 7 क्वेश्चंस उनको आते हैं वो भी उनके हाथ से निकल जाते हैं। तो मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ, स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि आप क्या करें, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि जो कि आपको बेस्ट आ रही है। लेट से अगर आपको 7 क्वेश्चंस बेस्ट आते हैं, 3 में थोड़ा सा डाउट है, तो आप क्या करें, सबसे पहले उन 7 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, ताकि इससे ये हो कि उन 7 क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं आपके पास वो सिक्योर हो जाएं। फिर आप क्या करें, आप उन बाकी 3 क्वेश्चंस के ऊपर चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप शुरू में ही उन 3 क्वेश्चंस के पीछे लग गए कि जिसके अंदर आपको डाउट है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन क्वेश्चंस के चक्कर में वो आपके 7 क्वेश्चंस भी निकल जाए। तो आपने क्या करना है कि जो आपको आपके पास बेस्ट क्वेश्चंस हैं, आप सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। होपफुली आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।